Welcome to PN Sports Channel. Be dynamic. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हियर आई एम अगेन विद सम स्पोर्ट्स अपडेट। और शुरुआत करते हैं हम कल के एक महत्वपूर्ण दिन से, और जो पूरे भारत के लिए भी, खेल जगत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था भारतीयों के लिए। और हम बात कर रहे हैं रोज बाउल साउथहैम्पटन की, जहां पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जा रहा था न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच, जो कि आप सब जानते हैं कि 1 अगस्त 2019 से 2021 तक उसके बीच के जो भी मैचेस रहे हैं, टेस्ट सीरीज रही हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो है भारत और न्यूजीलैंड जो है फाइनल मैच में पहुंचे थे। और न्यूजीलैंड ने कल रिजर्व डे के रूप में जो छठा दिन था उसमें भारत को 8 विकेट से मात दी है और पहली विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप अपने नाम की है। काइल जेमिसन उसमें बड़े महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया, और जो न्यूजीलैंड के पेस बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने उनको मैन ऑफ द मैच भी घोषित किया गया है। उसके अलावा अगर मैं कहूँ पूरे टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे मोस्ट रन्स जो अगर हम देखें, WTC 2021 की बात अगर मैं कर रहा हूँ, 19 से 21 का जो ये दौर था, उसमें मार्नस लबुसेन जो इंग्लैंड के बैट्समैन हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं, 1675 रनों के साथ उन्होंने वो हाईएस्ट रन गटर रहे, इसमें बैट्समैन रहे। और साथ ही साथ मोस्ट विकेट की अगर हम बात करें, तो भारतीयों के लिए खुशखबरी है कि रविचंद्रन अश्विन ने हाईएस्ट जो है विकेट टेकर वो इस चैंपियनशिप में रहे, 71 विकेट के साथ वो मोस्ट विकेट टेकर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रहे। कल जो न्यूजीलैंड ने ये WTC का फाइनल जीता, उसके बाद उन्होंने उन्हें एक ट्रॉफी के रूप में, जो मेस जिस ट्रॉफी को कहा जाता है, मेस के साथ 1.6 जो है मिलियन उन्हें मिले भी हैं। उसके साथ जो है WTC फाइनल का जो ये 2019 से 21 का जो ये सफ़र था, ये यही समाप्त हुआ। और न्यूजीलैंड ने बहुत समय बाद, 17 सालों के बाद लगभग, अपनी एक कोई ICC की कोई चैंपियनशिप जीती है। आगे बढ़ते हैं, हम यूरो कप 2021 फुटबॉल की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे जर्मनी जो है टॉप 16 में आ गया है हंगरी के साथ ड्रॉ करने के बाद, और अब वो इंग्लैंड के साथ मुकाबला करेगा अगले दौर में। और अपने ग्रुप में फ्रांस ने भी टॉप किया है, उसके अलावा पुर्तगाल की, जो कि कल ही मैच क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, उस रिकॉर्ड में की बात करते हैं। उसके अलावा पुर्तगाल की अभी भी उम्मीदें जो हैं कायम है टॉप अगले दौर में पहुंचने के लिए, टॉप 16 में पहुंचने के लिए। और रोनाल्डो का जो अभी का जो रिकॉर्ड है, मैं बता दूं आपको कि इंटरनेशनल गोल्स के रूप में, इंटरनेशनल गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है मेन सेक्शन में। और इक्वली उन्होंने जो अली दाई हैं, ईरान के थे, जिन्होंने काफ़ी समय पहले, उन्होंने भी 90 गोल से ज़्यादा उनका रिकॉर्ड था, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उन्हीं के रिकॉर्ड को 109 गोल्स के साथ, उन्होंने बराबरी पे अभी खड़ा, वही भी उसके उनके साथ बराबरी पर खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि जो यूरो चैंपियनशिप है उसमें कई तरह के मिथ भी हैं। बस एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि जब ये जो अगला दौर है, कई लोगों को लगता है कि जो टॉप जो 16 जो ग्रुप बने हुए हैं, और टॉप 16 पहुंचने के लिए नहीं, 6 ग्रुप्स का मैं जो टॉप 2 टीमें होंगी, तो 6 में से 12 टीमें तो टॉप 2 जाएंगी, लेकिन उसके अलावा जो बची हुई 4 टीमें हैं वो जो थर्ड प्लेस की टीम्स हैं उनमें से 5 6 जितने भी ग्रुप्स हैं बेसिकली, उन सब में से जो टॉप 4 टीम्स होंगी, बेस्ट थर्ड प्लेस टीम होंगी, वो जो है अगले दौर के लिए बेसिकली 16 टीम्स में प्री क्वार्टर फाइनल्स के लिए वो पहुँचेंगी। तीसरी खबर, हम बढ़ते हैं अपडेट की तरफ, जो कि कल बड़ा एक दिन था। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जो है पहली वाइस चांसलर के रूप में, मैंने कल भी हमने आपको एक अपडेट दिया था इंस्टाग्राम पी स्पोर्ट्स चैनल में, मैं जो आपने देखा होगा, कर्णम मल्लेश्वरी जो कि भारतीय वेट लिफ्टर रही हैं और समर ओलंपिक 2000 में उन्होंने पदक विजेता भी रही हैं, और पहली वुमेन हैं जो कि जिन्होंने कि भारत के लिए मेडल जीता था ओलंपिक में, 2000 समर ओलंपिक में 69 kg में। और उन्हें फर्स्ट VC बेसिकली दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए चुना गया है, ये बड़ी खबर एक थी। और 1995 में वे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजी गई, और साथ ही साथ पद्मश्री से भी उन्हें 1999 में नवाजा गया था। आज की लास्ट अपडेट विंबलडन से जुड़ी हुई है, जो कि जल्दी शुरू होने वाला है, 28 जून से लेकर 11 जुलाई के बीच जो कि होना है, और उसकी सीडिंग जो है घोषित कर अनाउंस कर दी गई है कल। और उसमें जो है नोवाक जोकोविक जो है मेन सेक्शन में, और मेन सिंगल सेक्शन में, और
एशले बार्टी जो है वो जो कि लास्ट टाइम जो रोलैंड गैरोस में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, जो विनर रही थी, उन्होंने टॉप सीडिंग उनको दी गई है। फेडरर जो है, रॉजर फेडरर जो है वो सेवन सीडिंग उनको दी गई है। तो विंबलडन भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, उसकी भी अपडेट हम आपसे साझा करते रहेंगे। इन्हीं सब अपडेट्स के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिए, और हमारे YouTube चैनल और साथ ही साथ Instagram पेज को भी फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।